हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में एक बार फिर। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम देखिए आज हम कहाँ पे हैं। आज जरा हम टिया को लेके आए हैं घुमाने के लिए, क्योंकि उसकी तबीयत कल ठीक नहीं थी, काफ़ी वो महसूस कर रही थी, तो इसलिए हम इसको आज पार्क में लेके आए हैं घूमने के लिए। ये देखिए कितना अच्छा पार्क है, ये हमारी दिल्ली का पार्क है गाइस। दिल्ली में ग्रीनिश ही ग्रीनिश है। अगर आप दिल्ली से बाहर हैं तो आप देखिए कि हाँ भाई दिल्ली में कितनी ग्रीनिश है। आप भी आइए दिल्ली में एंजॉय करने के लिए, यहाँ भी काफ़ी चीज़ें घूमने के लिए। तो गाइस आज के ब्लॉग की हम शुरुआत करते हैं, और देखिए पार्क कितना खूबसूरत है। ये देखिए देखिए गाइस, काफ़ी वंडरफुल पार्क है। अब हम आपको टिया को दिखाते हैं, टिया के आज मिजाज कैसे हैं। ये देखिए टिया, ये टिया है और ये हमारी धर्मपत्नी है शेफाली। देखिए हमारी बेटी कितनी क्यूटी क्यूटी पाई लग रही है। टियो हाय हाय, हेलो कर दो, हेलो हेलो करो, हेलो हेलो कर दो। इसको बस कैमरा चाहिए होता है, इसके कैमरे के लिए ही वो रहती है। अभी काफ़ी देर से मैं से कैमरा मांग रही, मैं इसलिए ब्लॉग स्टार्ट करूँ बट कैमरा मेरे हाथ से छीने जा रही बार बार। तो आप देख सकते हैं गाइस काफ़ी अच्छी झील बनी हुई है यहाँ पे, और डक भी है यहाँ पे, वो देखिए सामने डक बैठी हुई है। तो गाइस आप भी अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाला कीजिए। संडे होता है तो संडे को जैसे हमारी घर की महिलाएं होती है वो घर में ही रहती हैं, वो कहीं बाहर नहीं जा पाती हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उनको संडे को तो आप कहीं ना कहीं ले कर जाइए। एक महीने में एक बार तो बनता है उनका कहीं जाना, तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, तो उनको भी अपने बीवी बच्चों को बाहर जरूर लेकर जाएं घूमने के लिए। आज हवा बहुत है, ठंड तो नहीं है बट हवा बहुत तेज़ चल रही है गाइस। आप देख सकते हैं बहुत तेज़ हवा है, साउंड आपको आ रहा होगा हवा हवा का, शायद मेरी आवाज़ कम आ रही हो आपको। तो चलिए गाइस आज तो सिर्फ हम घूमेंगे फिरेंगे, आज कोई कुकिंग नहीं करेंगे, आज सिर्फ घूमेंगे। संडे था, सुबह मैंने सोच लिया था आज टिया को बाहर लेके जरूर जाना है, क्योंकि काफ़ी टाइम से बोल रहे थे, मेरे को भी ऑफिस से टाइम नहीं मिल पा रहा था, मैं भी काफ़ी बिजी चल रहा था, तो आज मैंने टाइम निकाला और हम लेके आए हैं टिया को। और ये देखिए इसका भाई भी आया हुआ है गुलशन, इसका नाम गविष्ट है, हेलो कर दो। और ये टिया को बहुत ज़्यादा लाइक करता है, क्योंकि टिया इसकी सिस्टर है। ये टिया बड़ी परेशान करती है मगर इसको, ये देखो गाइज मैं कैमरा टिया को दे रहा हूँ, आप देख रहे जरा टिया कैसे कैमरा पकड़ती है। ये लो सीधा पकड़ो ऐसे, बस हो गया चलो। और मम्मी जी भी आई हुई है हमारे साथ, मैं मम्मी जी से मिलवाता हूँ आपको। हेलो गाइस, आप कैसे हैं, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे? हेलो, घूमो फिरो ऐश करो घूमो फिरो ऐश करो। गाइस आप देखिए बहुत बढ़िया एटमोसफेयर हो चुका है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पार्क में आके, क्योंकि बीमारी की वजह से हम कुछ बंद से गए हैं, बिल्कुल ज़्यादा घुस से गए घर के अंदर, हम नहीं निकल पाते हैं। मैंने मास्क लगा रखा था बट अभी उतारा है, अभी मैं जल्दी मास्क लगा लूँगा क्योंकि अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे आसपास अभी है नहीं कोई, इसलिए हमने मास्क उतार रखा है अभी। कहीं आप सोचोगे ये तो बिगैर मास्क के घूम रहा है, नहीं गाइस दिल्ली में बहुत ज़्यादा सख्ती है मास्क को लेके, ये जो बीमारी आई है बहुत ज़्यादा ख़राब है, हम बन चुके हैं बीमारी के लिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है मास्क ज़रूर लगाएं। अब देखिए टिया को, टिया हेलो कर दो, टिया हेलो कर दो। काफ़ी अच्छा लग रहा है पार्क में आए गाइस। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे डक्स भी हैं, कितनी प्यारी डक्स है। ठंड की वजह से इसके अंदर तैर नहीं रही हैं, ये धूप सेक रही हैं साइड में बैठ के। ये जो है ये शोर मचा रही है जो खड़ी हुई है, झील में बिल्कुल नहीं तैर रही गाइस। देखिए कितनी अच्छी झील बनाई हुई है यहाँ पे, अच्छा पार्क है। हेलो फ्रेंड्स, देखिए डक्स कितने सारी घूम रही हैं, अभी इनको गर्मी लगने लग गई, तो हमारी टिया रानी भी आ गई है डक्स देखने के लिए। क्यों देखो डक्स, देखो डक्स डक्स का
गोरी डक, गोरी 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 डक, काय का गोरी डक। ये भी डक देख रही है। और ये चीज़ें भी गाइस काफ़ी अच्छी लगती है देखनी, अपने भी बच्चों के साथ आओ और एंजॉय करो। टीया खूब एंजॉय करिए गाइस, बहुत अच्छा मौसम हुआ पड़ा है गाइस फ्रेंड्स, बहुत अच्छा मौसम है। इसको का दो तीन दिन से अच्छी धूप निकल रही गाइस, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, गर्माहट काफ़ी मिल रही है। ठंड आज नहीं है, सुबह थी बट आज धूप अच्छी निकल रही है, ठंड कम हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ग्रीनिश है दिल्ली में। आप भी आइएगी दिल्ली घूमने के लिए। ये देखिए गाइस टिया, टिया बाबू कहाँ बैठ गए आप, फ्लावर कहाँ है, फ्लावर वो रे फ्लावर। क्या हुआ टिया? देखिए फ्रेंड्स पार्क के पीछे से ट्रेन भी निकलती है, ये देखिए पीछे से ट्रेन जा रही है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए पेड़ों के पीछे से ट्रेन जा रही है, मालगाड़ी लगता है कोई। कितना अच्छा लोकेशन है गाइस, देखिए संजय झील है, हमारी दिल्ली में है, आईएनए मार्केट के जस्ट पास है पार्क है, और पार्क के पीछे से ट्रेन भी जाती है, बहुत बढ़िया लोकेशन है गाइस, आप भी आइए घूमने के लिए यहाँ पे। फ्रेंड्स आपने देखा कितना एंजॉय किया हमने पार्क में, काफ़ी हद तक अच्छा लगा यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। अब और देखिए डक्स और आ चुकी हैं, देख कितनी डक्स आ चुकी हैं, आप नहा रही हैं डक्स यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने अभी डक्स खोली नहीं थी, थोड़ी डक्स खोली हुई थी, अब देखिए कितनी सारी डक्स आ चुकी हैं। अब गाइस हम अपनी वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं मेरी टिया को, टिया टिया हेलो कर दो, हेलो हेलो कर दो, हेलो कर दो डक्स को, हेलो कर दो, हेलो कर दो डक्स को, अब गाइस हम यहीं अपनी वीडियो को एंड करते हैं, और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा, और शेयर तो करना भूलेगा ही मत गाइस, आपका प्रोत्साहन ही हमारी ताकत बनेगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।